नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कल शाम यानी 10 अप्रैल को भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के एक ट्वीट से बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर ऐलान कर दिया कि वह आने वाले लोकसभा चुनावों में काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस ट्वीट के बाद से राज्य में सियासी पारा चरम पर है। बंगाल की आसनसोल सीट से भारतीय जनता पार्टी का टिकट लौटाने के बाद पवन सिंह के इस ऐलान ने एनडीए के बेड़े में खलबली मचा दी है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एनडीए के काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पवन सिंह की इस घोषणा के समय कुशवाहा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ गया के मंच पर थे। बुधवार रात रोहतास लौटे तो मीडिया से बातचीत की, लेकिन पवन सिंह के सवाल को ही विषय से बाहर बता दिया। काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन से राजाराम सिंह उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा की सीधी टक्कर राजाराम सिंह से मानी जा रही थी, लेकिन पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ये लड़ाई अब त्रिकोणी होती दिख रही है। ऐसे में पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान पर उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साइंस के स्टूडेंट से कॉमर्स का सवाल पूछ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा गोल मटोल जवाब देकर सवाल से बचते हुए दिखे। जितनी बार भी वह सवाल पूछा गया कि एक ही जवाब दिया, लेकिन भले ही उपेंद्र कुशवाहा सवाल पर गोलमोल जवाब देकर बच रहे हो, लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि काराकाट लोकसभा से अभिनेता पवन सिंह यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को ही होने वाला है। आपको बता दें कि बुधवार को चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए पवन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि माता गुरुता भूमि, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है, और मैंने अपनी माता से वादा किया था कि इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने तय किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार की काराकाट से लड़ूंगा। जय माता दी। इससे पहले पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, हालांकि उन्होंने अपना टिकट पार्टी को लौटा दिया था। इसका मतलब काराकाट उन्हें निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी बिहार में जेडीयू चिराग पासवान की, एलजेपी जीतन राम मांझी की, एचएम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पवन सिंह का मैदान में उतरना एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए द खबरदार पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।